चेहरा चेहरा नहीं, जो मर्जी है। आज इतना उदास चेहरा में देख रहा राजन सुने राजन फोन सिंह हमें बहुत गालियां दिया, मारा है, मारने के लिए धमकी दिया और घर से भगाने के लिए धमकी दिया। राजन मैं कैसे रहूंगी इस महल में? ठीक है तुम आन तो उमर तुम जब सही कह लगी दरबार में बुलाया गया है। देखिए बेटा मैं तुम्हें दरबार में इसलिए बुलाऊं कि जो मैं पूछूंगा वो तुम सच सच बताना। ठीक है पिताजी, आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए बेटा कि आप आज अपनी माँ को गाली दिया है, हमारा बेन है जी करता है कमीने को मैं खून पी जाऊं। नहीं पिताजी नहीं, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने चंडालिन जरूर कहा है। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैंने क्यों कहा है? यही जानने के लिए तुम्हें बुलाया हूँ बेटा। तो सुनिए पिताजी,
आपका भी जरा अरे खफ खाया नहीं और खींच रेखा बहन का देखिए पिताजी कि मेरी अंधी बहन पर माने किस तरह कौर की बरसात की है। बहन बताओ आखिर तुमने कौन सी खता की है जो माँ तुम पर इस तरह कौर की बरसात की है। ये बताओ कि तुम कौन सी ऐसी खता की है जो कि तुम्हारे बदन पे कौरों का बरसात हुआ है। तो हे पिताजी खता आप सब जानते हैं मुझे बचपन से नहीं दिखाई देता है, फिर भी जानबूझकर माँ ने मुझे घाट पर भेजा था दरबारी के साथ कि जाओ कपड़ा धो लाओ पानी भर लाओ। पिताजी मैं जा ही रही थी रास्ते में ठोकर लग गया घड़ा टूट गया, इसकी वजह से माँ ने मेरा कार खींच लिया। पिताजी बहुत बारे ठीक है जी, आप जरा साइड हो जाओ मैं इससे पूछूंगा। राजन महाराजा ए राजा राजा दादी ए राजा बुढ़ाई गया। मैंने खड़ी हो जा मैं बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, माफ कर दो बेटा। नहीं माँ नहीं,
पैर छूना है तो पिताजी का पैर छो, जिसमें तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा पैर छोकर क्यों मुझे नर्क में डालना चाहती हो? बेटे मुझे माफ करा दो, अब कभी नहीं मारूंगी। मैं आज से कसम खा लेती हूँ कि हे भगवान, अगर आज से बात बेटी बेटे को मारूं तो हे भगवान मेरा दोनों राखी फूट जाए। बेटा ये माँ कौन सी कसम खा रही है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता है। महाराजा बोले कि तो हमें भी चार करी। हाँ बतलाइए चिंता ना करो, भाई साहब क्या जलवाड़ी। एक बात पे आप विचार किए हैं, हे भगवान आज के बाद मैं बच्चों और बच्चियों को मारू पीटू तो मेरा दोनों राखी। दरबारी जी ये बताइए ये कौन सा कसम है जो राखी फूट फूट जाए? अरे राखी ऐसे जा रहा तो फूट ही खाऊंगा। दरबारी जी तुम उसे कसम फिराओ, और जो कसम खा लेगी तुम्हारे कहने से मैं उसे सारी गलतियां माफ करूंगा। ये आपका अनुमति है महाराज, यानी आपका आज्ञा है। जी पूरे परिवार से बचाओ।